पहले बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि टेंजेंट ए 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दी हुई है एबीसी जिसका कोण बी समकोण है, तो यहाँ पे आप एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं ए बी और सी, इसमें कोण बी समकोण है। आगे कहा गया है और टेंजेंट ए का मान दे रखा है, टेंजेंट ए इसका मान दे रखा है 1/√3। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, किसका साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, एक तो ये और दूसरा है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब देखो प्यारे बच्चों, ये दोनों मान निकालने के लिए हमें साइन ए का मान निकालना पड़ेगा, कोस ए का मान निकालना पड़ेगा, साइन सी का मान निकालना पड़ेगा, कोस सी का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ पे भी ऐसे ही है, तो हमें साइन ए साइन सी कोस ए कोस सी ये चार मान निकाल के इसके अंदर रखने और फिर इनको सोल्व करना है। अब हमारे पास मान दे रखा है टेंजेंट ए का, अब टेंजेंट ए का मान दे रखा है हमारे पास, टेंजेंट ए होता क्या है, टेंजेंट ए अब हमारा ए ये है, अगर हम इसको ए ले, मर्जी आपकी, यहाँ पे भी ये लिख सकते हैं यहाँ पे भी ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए हमारा ये है मान लो, तो जो एंगल बनता है न्यून कोण लेते हैं हम किसके बीच में लेते हैं, आधार और कर्ण पे, समकोण के सामने कर्ण, तो ये तो हमारा कर्ण फिक्स हो गया, तो यहाँ पे आपका ये कर्ण है, कर्ण तो यानी कि ये आधार हुआ, ये हमारे पास आधार हुआ, तो ये कर्ण क्योंकि ए एंगल की बात कर रहे हैं हम, तो ये हमारे पास लंब हुआ। प्यारे बच्चों आप ध्यान रखेंगे 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण है, वो हमेशा फिक्स रहेगी, लेकिन बाकी की दो है वो बदल जाती है, कर्ण आधार और आधार लंब आपस में चेंज हो सकते हैं। अब इस एंगल की बात करेंगे तो अगर सी एंगल की बात करेंगे तो ये आधार बन जाएगा और ये लंब बन जाएगा, तो ये चेंज हो जाएंगे, आपको ये ध्यान रखना है। अब टेंजेंट ए, हम ए एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो टेंजेंट ए हमारे पास वैसे होगा क्या, साइन कोस टेंजेंट एल ए एल के के ए, तो टेंजेंट ए लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, टेंजेंट ए लंब, लंब है हमारा बी सी और आधार, आधार है हमारा ए बी, और ये दे कितना दे रखा है 1/√3, तो इसका मतलब बी सी किसके बराबर आ गया 1 के, ए के यानी कि के ही बना, 1 के लिख लो आप इसको, 1 के या फिर सिंपली आप इसको क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, और ए बी ये कितना आया 3 के। अब हम क्या करते हैं, तो बी सी, बी सी है हमारे पास के और ए बी है हमारे पास 3 के, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, कर्ण का मान ज्ञात करेंगे, तो ए सी का वर्ग ए बी के वर्ग प्लस बी सी के वर्ग के बराबर होगा, ए सी का वर्ग ए बी, ए बी है हमारे पास देखो 3 के और इसका स्क्वायर, और बी सी है हमारे पास के इसका स्क्वायर, तो यहां से ए सी स्क्वायर 3, देखो वर्ग 3 का वर्ग करेंगे जब वर्गमूल कट जाएगा तो ये 3 के स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस के का स्क्वायर तो ये के स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर 3 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर, तो ए सी आ जाएगा 4 के स्क्वायर, ए सी 4 से 2 मिल जाएगा और के स्क्वायर से के मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 के। यहां पे पहुंच गए हम, अब यहां से हम किसका मान निकाल सकते हैं, साइन ए, तो हमें साइन ए चाहिए है कोस ए चाहिए दोनों जगह पे, तो साइन ए हमारा क्या बनेगा, साइन ए तो एंगल तो हमारा यही है, तो ये हमने काम इस एंगल के लिए किया हुआ है, तो यहाँ पे साइन ए, साइन क्या है लंब बटे में कर्ण, लंब है हमारा बी सी और कर्ण है हमारा ए सी, ए सी बी सी, बी सी का मान देखो कितना है हमारे पास, बी सी, बी सी का मान है के और ए सी का मान है 2 के, तो ये के साथ के कैंसिल हो जाएगा 1/2, तो ये हमारे पास साइन ए का मान आ गया। इसी तरह से कोस ए, कोस ए क्या बनेगा, कोस ए हमारे पास, कोस ए आधार बटे में कर्ण, आधार हमारा ए बी है
और कर्ण हमारा एसी है, तो एबी, एबी का मान देखो हमारे पास है वर्गमूल 3k और एसी का मान है 2k, तो कोस ए ये आ जाएगा हमारे पास के कैंसिल हो जाएगा वर्गमूल 3/2, तो साइन ए और कोस ए का मान आ गया। अब हम किसका मान निकालेंगे, साइन सी और कोस सी का, साइन सी और एक हमें चाहिए कोस सी। अब देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, इसको आपने ध्यान से देखना है। अब अगर हम एंगल ये लें, सी एंगल लें, तो ये हमारा आधार होगा, कर्ण यही रहेगा, ये हमारा आधार होगा, तो ये हमारा लंब होगा क्योंकि न्यून कोण सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो साइन के लिए लंब बटा कर्ण होता है और ये हमारा आधार है, तो यानी कि ये हमारा लंब है, तो लंब ये है, तो हम क्या लिखेंगे, एबी बटे में एसी। तो एबी है हमारे पास वर्गमूल 3k और एसी है 2k, तो ये कैंसिल हो जाएगा वर्गमूल 3/2। इसी तरह से कोस सी पे आ जाओ, अब की बार एंगल ये है, तो ये आधार है, ये कर्ण है, तो ये लंब है, उल्टे हो जाएंगे ना, आधार और लंब आपस में बदल जाएंगे, जब न्यून कोण बदलता है तो आधार और लंब आपस में बदल जाते हैं। अब की बार अगर हम देखो, ये हमारा आधार तो ये हमारा लंब है, और हमें क्या चाहिए, आधार और कर्ण, तो ये हमारा आधार है यानी कि बीसी बटे में एसी, बीसी के है और एसी 2k है, तो 1/2 के कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आ गया, ये मान आ गया हमारे पास। अब पहला पार्ट देखते हैं, हमारे पास पहले पार्ट में हम ये मान रख देते हैं, साइन ए का मान, साइन ए का मान था 1/2 गुना में कोस सी का मान, ये भी 1/2 प्लस कोस ए का मान, कोस ए का मान वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3/2 और साइन सी का मान ये भी वर्गमूल 3/2, तो एक की एक के साथ एक, दो की दो के साथ चार, वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 के साथ करेंगे तो वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा, कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 3/4, तो एलसीएम 4 1+3 यानी कि 4/4, तो 4/4 से हमें कितना मिल जाएगा, 1, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरह से अगर हम सेकेंड पार्ट देखें, सेकेंड पार्ट में है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, कोस ए का मान, कोस ए का मान है वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3/2 गुना में कोस सी का मान है 1/2 माइनस साइन ए का मान है 1/2 और साइन सी का मान है हमारे पास वर्गमूल 3/2, तो यहां से आ गया वर्गमूल 3/2 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 3/2 वर्गमूल 2, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये हमारे पास इसका सेकंड आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो अब की बार हमने अलग से चित्र भी बनाया, क्योंकि अब हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि किस न्यून कोण के संदर्भ में बात की जा रही है, हमने यूज कर लिया। जब ए के बारे में बात की जा रही है तो ये आधार, ये कर्ण और ये लंब है, जब सी के बारे में बात की जा रही है तो ये आधार, ये कर्ण और ये लंब है, और फॉर्मूला इसके हिसाब से हम लगा के और उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इसको यहां पे भी लिख सकते हैं कि ये वर्गमूल 3/2 है।